Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios. My name is Jatin and this is lecture 9th of our music production course. आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं म्यूजिक थ्योरी के बारे में। जो लास्ट लेक्चर्स थे वहां पे हमने बात करी थी सेक्शंस के बारे में। जब आप एक बीट या फिर एक सॉन्ग को आप क्रिएट करते हो, बनाते हो, तो वहां पे सेक्शंस होते हैं, ड्रम सेक्शन, इंस्ट्रूमेंट सेक्शन, एफएक्स सेक्शन एंड वोकल। ड्रम सेक्शन हम कवर कर चुके हैं, आज बारी आती है इंस्ट्रूमेंट सेक्शन की। लेकिन इंस्ट्रूमेंट सेक्शन पे जाने से पहले हमें सीखना होगा म्यूजिक थ्योरी, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज, म्यूजिक थ्योरी पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, 5-6 वीडियोस थी, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी थी, लेकिन ये एक पूरा का पूरा कोर्स है जिसमें अलग से ये टॉपिक होना चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। साथ में वहां पे जो था उस वाली प्लेलिस्ट में 4-5 वीडियोस थी, लेकिन यहाँ पे वीडियो लंबी होगी, ये लेक्चर लंबा होगा, सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बिगिनर, एज अ बिगिनर आपको जितनी भी चीजें पता होनी चाहिए सारी मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। सेकेंड चीज, आपको किस चीज के लिए म्यूजिक थ्योरी को सीखना है। अगर आप बॉलीवुड रीमिक्सेस बनाना चाहते हो, बॉलीवुड टाइप के सॉन्ग्स बनाना चाहते हो, कवर सॉन्ग्स बनाना चाहते हो, ईडीएम म्यूजिक बनाना चाहते हो, या फिर आप कोई बीट बनाना चाहते हो, अगर आपका मोटिव ये है देन दिस लेक्चर इज फॉर यू। लेकिन अगर आपका मोटिव है कि आपको वोकल्स के लिए म्यूजिक थ्योरी को सीखना है, देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बिकॉज मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी बिल्कुल भी एक्सपर्टीज नहीं है वोकल्स में। अगर आप वोकल सीखना चाहते हो देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी सिंगर से जो वोकल्स सिखाते हैं आप उनसे सीखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेकेंड चीज यहाँ पे एक और आती है कि अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं देन वहां पे आपको किसी म्यूजिक टीचर से ही म्यूजिक थ्योरी को समझना होगा, बिकॉज वहां पे और भी काफी सारी चीजें होती हैं। मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो लिंक्ड होगा हमारे म्यूजिक को क्रिएट करने से DAW के ऊपर। सारी बातें क्लियर हो गई हैं, अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहली चीज, म्यूजिक थ्योरी में आपने सुने होंगे नोट्स। अब ये नोट्स होते क्या हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हो कीबोर्ड पे इतना बड़ा कीबोर्ड पड़ा है एंड उसके बाद ये कीबोर्ड है, तो एग्जैक्टली क्या है? ये नोट्स होते हैं ना? हाँ जी, ये नोट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं, आपसे पूछूं कि कीज क्या होती हैं, तो आप कहोगे यही कीज होती हैं। अब लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है। आप देख सकते हो इस कीबोर्ड में इतनी सारी कीज हैं। टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं आपको बता दूं, यहां से आपको देख नहीं रहा है, 61 कीज हैं इस MIDI कीबोर्ड पे एंड इस पे है 25 कीज। तो एग्जैक्टली ये क्या चक्कर है? कितनी कीज होती हैं एग्जैक्टली म्यूजिक थ्योरी में, कितनी होनी चाहिए, या फिर ये जो डिफरेंस है ये एग्जैक्टली क्या है? जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो भी यहाँ पे मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। तो MIDI कीबोर्ड्स पे जो कीज हैं सेम कीज हमें मिलती हैं हमारे DAW में। आप स्क्रीन पे देख सकते हो FL Studio, आपको प्रेस करना है कीबोर्ड पे F7, आपके सामने आ जाएगा पियानो रोल। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो ये कीज हैं, सेम तरीके की कीज होंगी, जो 25 वाली हैं वो भी ऐसी होंगी एंड जो 61 वाला यहाँ पे MIDI कीबोर्ड है उसकी भी सेम कीज हैं। सामने आपको सॉफ्टवेयर पे भी सेम ही दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या है? एंड अगर आप DAW पे देखो सो यहाँ पे बहुत सारी कीज हैं, मतलब 61 से भी ज़्यादा कीज हमें हमारे DAW में मिलती हैं, सॉफ्टवेयर में मिलती हैं। तो यहाँ पे अब बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझना है, जो नोट्स होते हैं ना हमारे पास, नोट्स कीज नहीं, नोट्स, नोट्स होते हैं हमारे पास 12। अब ये कौन कौन से होते हैं अभी वो भी बताता हूं, लेकिन कीज और ये जो नोट्स है इसके बीच में डिफरेंस आपको समझना होगा। कीज आपकी कीबोर्ड की या फिर अगर आप DAW पे बोल रहे हो सो वो एज अ हार्डवेयर या फिर आप नंबर ऑफ कीज बोल सकते हो, लेकिन जब हम बात करते हैं नोट्स की तो वहां पे चीजें हो जाती हैं स्पेसिफिक। नोट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास 12। आपने अमित त्रिवेदी का एक एड देखा होगा, काफी पहले आता था म्यूजिक की टीचिंग्स, मतलब जो क्लासेस उनकी होती थी उस पे वो एक बहुत ही एड चला था जिसमें वो बोलते थे। आप देख सकते हो ये नोट्स हैं, ये कीबोर्ड है एंड इसमें है 12 नोट्स एंड आज तक के जितने भी गाने हैं इस दुनिया में सारे के सारे बने हैं ये 12 नोट से ही। तो बात बिल्कुल सही है, 12 नोट्स हमारे पास होते हैं, उसके ऊपर ही मतलब उनमें से ही कुछ कॉम्बिनेशन से ही हर एक ट्रैक बनाया गया है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जितने भी आप सॉन्ग सुन रहे हो, मतलब करोड़ों सॉन्ग्स होंगे, मतलब किसी भी जॉनर का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, लेकिन जो नोट्स है ना वो 12 के 12 ही रहते हैं, कभी वो 13
नहीं होते हैं। अब ये नोट्स एग्जैक्टली कौन कौन से हैं? सो आप कहोगे ए बी सी डी इस टाइप से। हाँ जी, इस टाइप से होता है, लेकिन स्टार्टिंग होती है यहाँ पे सी से। नाउ अगर मैं आपको मिडी कीबोर्ड पे बताऊंगा तो कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। जिनके पास मिडी कीबोर्ड नहीं है वो सोचेंगे कि यार हम तो समझ ही नहीं पा रहे। तो एक काम करते हैं, मैं आपको FL स्टूडियो पे बताता हूँ। सामने आप देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है पियानो रोल। मैंने आपको बताया कीबोर्ड पे प्रेस करोगे F7, ये चला गया है। अगेन प्रेस करोगे तो सामने आ जाएगा आपका पियानो रोल। यहाँ पे सारी की सारी म्यूजिक थ्योरी ही होती है। म्यूजिक थ्योरी का जितना भी काम है वो पियानो रोल पे ही होता है। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ कुछ व्हाइट कीज दिख रही हैं एंड कुछ ब्लैक कीज दिख रही हैं। तो व्हाइट कीज जो होती हैं, मैंने आपको वैसे टोटल नंबर ऑफ नोट्स बताया है 12, जिसमें से जो व्हाइट कीज हैं वो होती हैं 7 एंड जो हमारी ब्लैक कीज हैं वो होती हैं 5। मैं आपको दिखाता हूँ। एंड अभी मैंने आपको बोला था कि जो स्टार्ट होता है वो होता है सी से। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। एंड कीबोर्ड पे भी अगर आप मैं आपको दिखाऊं सो एज सच कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, कुछ भी ए बी सी डी नहीं लिखा है एंड सेम इस पे भी नहीं लिखा है। बट जब हम FL स्टूडियो पे काम करते हैं काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं। हम यहाँ से जाएंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद व्यू एंड नीचे आएंगे हम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पियानो रोल के अंडर कीबोर्ड स्टाइल, इसको नहीं छेड़ना है, कीबोर्ड लेबल्स यहाँ पे है नन, आप इसको कर दोगे ऑल नोट्स। जैसे ही आप ये करते हो आप स्क्रीन पे देख सकते हो सामने आपके सामने यहाँ पे मेंशन हो चुके हैं। अब ये एग्जैक्टली क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था सी से स्टार्ट होगा, तो सी यहाँ से ये स्टार्ट होगा, यहाँ से दिस इज सी, देन उसके बाद आ रहा है डी, लेकिन यहाँ पे सी के बाद आ रहा है एक ब्लैक नोट, ब्लैक की यहाँ पे आ रही है। तो एग्जैक्टली ये जो ब्लैक कीज है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक नोट्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शार्प। वैसे इसका एक और नाम भी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली चीज़ है, लेकिन अगर आप आराम से सुनोगे, थोड़ा सा बैक करना, फिर से एक बारी सुनना, नहीं समझ में आया फिर से बैक करना, फिर से सुनना, 3-4 बारी करोगे समझ में आ जाएगा। इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सी के बाद आता है सी शार्प, लेकिन इसको हम डी फ्लैट भी बोलते हैं। अब आप कहोगे डी तो ऊपर है, तो ये जो ब्लैक वाली कीज है ना ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती जरूर है। ब्लैक की को हम बोल सकते हैं शार्प, शार्प अगर हम बोलेंगे तो जो पीछे वाली की है, फॉर एग्जाम्पल इसमें सी है तो इसको हम बोलेंगे सी शार्प, लेकिन अगर हमें फ्लैट बोलना है देन हम कंसिडर करेंगे एक आगे वाला नोट, तो डी फ्लैट हो जाएगा ये। इसी तरीके से आगे चलते हैं, तो दिस इज सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, उसके बाद आप देख रहे हो कोई भी ब्लैक की नहीं है, ब्लैक यहां पे नोट नहीं है। देन यहां पे आता है एफ, उसके बाद एफ शार्प, उसके बाद जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, बी का अगेन जो शार्प है वो नहीं होता है, ई और बी का जो है वो शार्प नहीं होता है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे बी के बाद अगेन आ रहा है हमारा सी। नाउ ये आपको समझ में आ गया है, लेकिन हम फिर से एक बारी सीखेंगे। एंड अभी हमने जो बात करी है वो शार्प से बात करी है, अब हम बात करेंगे फ्लैट से। सो यहां से अगेन हम स्टार्ट करते हैं सी, डी फ्लैट, डी, ई फ्लैट, ई, उसके बाद कोई फ्लैट नहीं होता है। देन उसके बाद आएगा एफ, जी फ्लैट, जी, ए फ्लैट, ए, बी फ्लैट, बी, देन अगेन सी। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे लगेगा, बिकॉज एक आगे वाला जब हम, मैंने आपको बताया था काउंट करते हैं, काउंट से मेरा मतलब है जब हम फ्लैट बोलते हैं तो आगे वाला लेते हैं, लेकिन जो हम शार्प बोलते हैं वो हम जो पहले वाला होता है वो लेते हैं। तो आपको जो कंफ्यूजन होगा वो ये हो सकता है, बी के कोई भी ब्लैक नोट नहीं होता है, बी के आगे कोई भी ब्लैक नोट नहीं होता है। इन द सेम वे यहां पे ई के आगे भी कोई भी ब्लैक नोट नहीं होता है, बी के आगे कुछ नहीं है एंड आप देख सकते हो ई के आगे कोई भी ब्लैक नोट नहीं है, डायरेक्टली यहां पे आता है व्हाइट नोट। नहीं समझ में आया है फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो, नहीं समझ में आया है फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं सुर की। आई एम श्योर आप में से जितने लोग ये लेक्चर को देख रहे हैं ना, उन्होंने सुर के बारे में जरूर सुना होगा। बचपन से ही हमने सुना है सा रे गा मा पा धा नी सा। हमें नहीं पता इसका मतलब क्या होता था, लेकिन हमें ये जरूर पता है सा रे गा मा पा धा नी सा। ये चीज सुनिए, अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली ये क्या है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो पियानो रोल है सा रे गा मा, तो सी से मैंने बोला था सी से स्टार्ट करेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा।
लेकिन सुर होते कितने हैं? मैंने अभी आपको बताया था जो नोट्स है हमारे पास वो होते हैं 12, लेकिन सुर हमारे पास सिर्फ 7 ही होते हैं। अब आप कहोगे यार ये क्या हुआ? जी हाँ, अभी मैंने आपको दिखाया यहां से सा सी रे डी गा ई मा एफ पा जी धा ए नी बी एंड अगेन उसके बाद आया यहां पे सी सा सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये आपने एक चीज नोटिस करी, मैं बोल रहा हूं 7 लेकिन ये हुए तो 8 हैं। 8 कैसे? बिकॉज हमने सा से शुरू करा था एंड खत्म भी हमने सा पे ही करा, तो वो रिपीट हुआ। एंड आपने एक चीज और नोटिस करी, यहां पे मैं इस पे जब लेकर आ रहा हूं तो आपको कुछ साउंड नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज जब हम म्यूजिक थ्योरी के साथ बात कर रहे हैं, म्यूजिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो हमारे को एक साउंड चाहिए। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो साउंड्स होती है वो जनरेट होती हैं हमारे VST प्लगइन से। दो टाइप के प्लगइन मैंने आपको बताए थे, पीछे जाके जरूर एक बारी देखना, और नहीं पता है तो भाई आपको जो बाकी के लेक्चर्स हैं पहले के वो रिवीजन करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें एक साउंड के लिए, साउंड जनरेट करने के लिए प्लगइन चाहिए होगी। तो यहाँ से मैं ऐड करता हूँ एक प्लगइन FL कीज, स्टॉक प्लगइन है। ये सारी चीजें मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। नाउ यहाँ पे आप सारे गामा पाधा नी सा ड्रॉ करते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूं एंड अब आप देखोगे साउंड आ गई, सा रे गा मा पा धा नी एंड अगेन सा। कितने हो गए? सी से शुरू हुआ, सी पे खत्म हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन जब हम सारे गामा पाधानी सा करते हैं तो ये, अब ये आप देख रहे हो सी से शुरू हुआ, सी से खत्म हुआ, लेकिन सी सेम है और ये जो ऊपर खत्म हुआ है ये आप देख सकते हो C4 है, जहां पे खत्म हुआ है वो है C5। आपको इसके बीच में कुछ डिफरेंस लग रहा है साउंड में? मैं एक बारी फिर से आपको सुनाता हूं एंड उसके बाद। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम पूरा हमारा जो ये ऑक्टेव कहलाता है, 12 नोट्स का हमारा ऑक्टेव होता है, जब ये 12 नोट्स खत्म हो जाएंगे ना उसके बाद अगेन सेम 12 नोट्स आएंगे, लेकिन अगर हम ऊपर जाएंगे तो जो साउंड है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, पिच उसकी अप हो जाएगी। इन द सेम वे अगर हम नीचे आते हैं, अगर मैं यहां से C4 और C3 सुनता हूं तो क्या होगा, कमेंट में बताना। दिस इज C4 एंड मैं नीचे आया हूं, दिस इज C3, तो आवाज जो है वो भारी हो गई है, मतलब पिच डाउन हो गया है। जैसा कि अब आप समझ सकते हो बहुत ही क्लियर है, एक यहां पे ऑक्टेव है जिसमें हमारे पास 7 नोट्स है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो आवाज हमारी थोड़ी सी पतली हो जाएगी, पिच अप हो जाएगी, एंड अगर हम नीचे आएंगे तो यहां पे जो हमारी आवाज है या फिर कोई भी साउंड है आपके पास वो थोड़ी सी भारी हो जाएगी, पिच उसकी डाउन हो जाएगी। तो यहां पे हमने सुर के बारे में भी बात कर ली है, लेकिन 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 मेरा एक स्टूडेंट था, उसका कंफ्यूजन था, मैंने सोचा यहाँ पे इस वीडियो में, इस लेक्चर में उसको इंक्लूड करना बनता है। मैंने आपको बताया जो सारे गामा पाधानी सा है ये सी से स्टार्ट होगा, लेकिन मैंने आपको बोला ऑक्टेव जो हमारा है, जो नोट्स हमारे हैं वो सी से स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर मैं सारे गामा पाधानी सा कर रहा हूं तो वो हमेशा सी से ही स्टार्ट होगा, वो किसी भी नोट से स्टार्ट हो सकता है। हाँ जी, अब थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या, ये जो मैंने आपको बताया है ना ये चीज, ये जो सारे गामा पाधा नी सा है ये हमारा सी शार्प से भी शुरू हो सकता है, डी से शुरू हो सकता है, डी शार्प से हो सकता है, ई से हो सकता है, एफ से हो सकता है, एफ शार्प से हो सकता है, जी से हो सकता है, जी शार्प से हो सकता है, ए से हो सकता है, ए शार्प से हो सकता है, बी से हो सकता है, एंड अगेन हमारा आ जाएगा सी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, यहां पे अगर हम जी पे देखते हैं तो जहां से वो शुरू हुआ है ना वो खत्म भी वहीं पे होगा। आप देख सकते हो G4 से शुरू हुआ है, G5 पे ही खत्म हुआ है। इन द सेम वे ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगर अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करूं, जैसा कि अभी आप देख सकते हो यहां पे ये तो सेम ही आ रहा है, लेकिन यहां पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ी सी चीजें समझने की आपको और जरूरत है। क्या चीज? वो है स्केल्स। नाउ स्केल्स क्या होते हैं? स्केल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कॉर्ड के बारे में।
आई एम श्योर आपने कॉर्ड का नाम जरूर सुना होगा। कॉर्ड एग्जैक्टली क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं यहाँ से रिमूव। फॉर एग्जाम्पल हमें कॉर्ड बनानी है, बेसिकली हम दो टाइप के जो कॉर्ड है उसको उसके साथ अभी स्टार्ट करेंगे, मेजर एंड माइनर। अब कॉर्ड बनती कैसे है, आपको कौन सी कॉर्ड बनानी है, आपको जो भी कॉर्ड बनानी है ना वो 12 नोट में से ही होगी। फॉर एग्जाम्पल सी की जगह हम ले लेते हैं जी, तो जी पे हम सबसे पहला नोट को ड्रॉ करेंगे। अब हमें मेजर चाहिए या माइनर, फॉर एग्जाम्पल चलो माइनर बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गई हमारी माइनर कॉर्ड। नाउ यहाँ पे ये कॉर्ड तो बन गई है, लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे बनी है। तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी हमने यूज कर रहा है। देन उसके बाद जो हमारा अगला नोट होगा यहाँ पे थर्ड पे हम उसको रखेंगे। जी है 1 2 3, यहाँ पे हमने लगा दिया। एंड ये वाला जो नोट है ये होगा सेवेंथ पे। सेवेंथ पे कैसे, ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये बन गई एक माइनर कॉर्ड। सुनते हैं एक बारी, माइनर कॉर्ड कुछ इस टाइप से साउंड कर रही है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे बनानी है एक मेजर कॉर्ड तो क्या करना है, जस्ट ये वाला जो नोट है ना इसको एक स्टेप ऊपर कर देना है। अब सुनते हैं। सो दिस इज द मेजर कॉर्ड। यहाँ पे ये कॉर्ड तो बन गई, लेकिन जितने भी गाने होते हैं ऐसा नहीं होता है कि एक ही कॉर्ड होती है उसमें, कॉर्ड तो आगे भी होती है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई कॉर्ड लगाएं, फॉर एग्जाम्पल जी के बाद हम यहाँ पे लगाते हैं एफ या फिर एफ शार्प लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं माइनर कुछ इस तरीके से। सुन के देखते हैं कैसी साउंड करती है। आप देख रहे हो एंड सुन रहे हो, अजीब सी साउंड कर रही है ना। चलो यहाँ पे कुछ और कॉर्ड लगा के देखते हैं। आप सुन सकते हो कितना ज्यादा अजीब से साउंड कर रहा है। मतलब कॉर्ड्स तो हमें बनानी आ गई, मेजर और माइनर मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा कॉर्ड, लेकिन आगे जो कॉर्ड हम लगाएंगे वो आप देख सकते हो ये क्या मतलब हो रहा है, कितना गंदा सा साउंड कर रहा है। सिर्फ हमारे पास 12 नोट्स हैं, हाँ जी 12 नोट्स हैं, उसमें से ही अगर हम कुछ आगे पीछे कर देते हैं तो आप देख सकते हो साउंड कितनी गंदी हो जाती है। अब यहाँ पे आते हैं इसको सही करने के लिए, यहाँ पे आते हैं हमारे पास स्केल्स। स्केल को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने जो पहले वीडियोस बनाई थी म्यूजिक थ्योरी पे, वहां पे मैंने कुछ आपको फॉर्मूले बताए थे, मैं अभी भी बता सकता हूं, लेकिन ये जो कोर्स है ये स्पेसिफिकली है हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। 99% जो हमारा काम है वो होने वाला है हमारे सॉफ्टवेयर पे, DAW पे। तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें शॉर्टकट में बताऊंगा, लेकिन अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का एंड साथ में जो फॉर्मूलेज है उसको ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप जाके समझ सकते हो। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि कैसे हम स्केल्स को समझेंगे हमारे DAW पे। पियानो रोल आपके सामने है, ये हमने कॉर्ड बनाई थी बड़ी गंदी सी जो बन रही थी। अब यहाँ पे क्या है, एक फीचर है यहाँ पे, इस एरो पे जाएंगे व्यू एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्पर्स के अंडर स्केल हाईलाइटनिंग। मैंने बताया स्केल, तो स्केल हाईलाइटनिंग, दिस इज द स्केल हाईलाइटनिंग। अब हमें कौन से स्केल में अपना ट्रैक बनाना है, अब वो इन 12 नोट्स में से कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जी करा था तो हम जी ही यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम जी यूज करेंगे, जी को सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे गायब हो गया है। लेकिन अब ये जी मेजर है या माइनर हमें ये भी सिलेक्ट करना है। अगेन आएंगे व्यू एंड उसके बाद स्केल हाईलाइटनिंग, माइनर चलो ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम चूज करेंगे माइनर नेचुरल। अभी ये सेट है माइनर मेलोडिक पे, हम इसको चेंज करके माइनर नेचुरल पे कर देंगे। नाउ यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले स्केल्स जो होते हैं वो भी काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे वो मेजर और माइनर करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा एडवांस भी आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में। फिलहाल यहाँ पे आते हैं वापस, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो कुछ नोट्स हैं ना वो हाईलाइट हो गए हैं, आपको अगर समझ नहीं आया तो यहाँ से हम अगेन जाते हैं व्यू पे एंड यहाँ पे नोट हाईलाइटनिंग, ये जो फीचर है ना इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब आप पीछे देख सकते हो बिल्कुल सब एक जैसा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर हम स्केल हाईलाइटनिंग का फीचर ऑन करते हैं तो और उसके बाद हम जो स्केल है उसको चूज कर लेते हैं तो जितने भी नोट्स उस पर्टिकुलर स्केल में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस केस में जी माइनर के अंडर जितने भी नोट्स आते हैं, जी माइनर जो स्केल है उसके अंडर जितने भी 12 नोट्स हैं वो सारे के सारे नहीं आएंगे,
कुछ सेट ऑफ नोट्स हैं जो आएंगे, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्केल हाइलाइटनिंग से। यहां से हम गए, इसको हमने करा ऑन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ हमारे डार्क यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ आ गए हैं यहाँ पे हल्के से वाइट, थोड़े से हाईलाइट हो चुके हैं। तो ये जो हाईलाइट है, ये सारे के सारे स्केल के नोट्स जो हैं वो हमें शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो जी पे, अगर मैं आपको दिखाऊं जी पे यहाँ पे है तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। आप देख सकते हो बी जो है वो स्केल में नहीं आता है, यहाँ पे हम इसको कर देंगे यहाँ पे ए शार्प पे। देन उसके बाद डी आता है, हाँ जी डी आता है, आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं कॉर्ड क्यों नहीं यहाँ पे सूट कर रही थी, एफ शार्प। एफ शार्प स्केल में आता ही नहीं है, हाँ जी एफ शार्प जी माइनर के स्केल में आता ही नहीं है, जो नोट है ये स्केल में नहीं आता है, तो इसीलिए ये साउंड अच्छा नहीं कर रहा था। अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ, एफ आता है, आप देख सकते हो एफ हाईलाइट हुआ पड़ा है, एफ आता है, तो यहाँ पे ये अच्छा साउंड करेगा। लेकिन हमें बाकी नोट्स भी चेक करने होंगे, ए आता है, ए आता है, सी शार्प आता है, सी शार्प नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे यहां से इसको हम चेंज करेंगे। अब अगर हम यहां से चेंज करते हैं तो आप देख सकते हो ये तो कॉर्ड अजीब सी हो गई है। अब ये कॉर्ड अजीब सी हो गई है, मैं आपको बताऊंगा इसको भी हम क्या बोलते हैं। फिलहाल हम इसकी एक पर्टिकुलर कोई कॉर्ड बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, तो इसको हम करते हैं यहां पे। अब आप देख सकते हो ये कॉर्ड बन गई है, ये कॉर्ड बन गई है एफ मेजर कॉर्ड, सही है। आगे चलते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एफ तो आता ही है लेकिन जी शार्प नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको करते हैं तो ये कॉर्ड सेम हो गई, तो हम कॉर्ड को चेंज करेंगे। यहां से डी शार्प आता है, उसके बाद जी, एंड इस नोट को हम यहां पे लेकर आएंगे। तो ये अब हमारी साउंड जो है वो अच्छी करनी चाहिए, सुनते हैं एक बारी। नाउ आप सुन सकते हो यहाँ पे कितनी अमेजिंग साउंड कर रही है। एंड पहले क्या कर रही थी, जस्ट ये जो नोट्स का खेल है ना, ये अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया, इस लेक्चर को बार बार देखना अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो ये अगर आपने खेल समझ लिया चीजें बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगी। बिकॉज ये जो 12 नोट्स है ना, इसमें से ही सारे म्यूजिक बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सॉन्ग में ये 12 के 12 नोट्स यूज हो जाएंगे, कुछ सेट ऑफ नोट्स होते हैं, फॉर्मूला आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी अभी आप देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने नोट्स को चूज करते हो, उन नोट्स पे अगर आप अपना म्यूजिक बनाते हो, बहुत ही सुपर्ब साउंड करेगा। नाउ एक काम करते हैं, अभी हमने ये माइनर लिया है, हम मेजर करके भी देखते हैं। तो यहां से अगेन हम जाएंगे व्यू, और उसके बाद यहां से हम जाएंगे नोट हाईलाइटनिंग पे, स्केल हम यहां से चूज करेंगे जी ही है, यहां से हम मेजर सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो मेजर ये सिलेक्ट कर लिया, नोट्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। नाउ यहां पे देखते हैं क्या क्या नोट्स नहीं आ रहे हैं। सो आप देख सकते हो ए शार्प जो है वो अब स्केल में नहीं आ रहा है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्या आ रहा है बी, तो हम बी पे लगा लेते हैं। देन बाकी के नोट्स हम इसी तरीके से चेक कर लेते हैं, एफ नहीं आ रहा है, इसको मैं जल्दी से सारे नोट सेट करता हूं। नाउ यहां पे जितने भी यहां पे नोट्स लगे थे उसको मैंने स्केल पे ऐड कर दिया है, स्केल पे प्लेस कर दिया है। अगेन आप सुन सकते हो कितना अमेजिंग साउंड कर रहा है। तो इस तरीके से स्केल्स की मदद से आप म्यूजिक थ्योरी समझ सकते हो, एंड पर्टिकुलर जो आपका स्केल है उसमें ही अगर आप नोट्स को यूज करोगे तो आपके ट्रैक काफी अच्छे साउंड करेंगे। सारे गामा पाधा नीसा, मैंने आपको बोला था ये किसी भी नोट से स्टार्ट हो सकता है, अब टाइम आ गया है इसको यूज करने का। तो जल्दी से मैं यहां पे सारे गामा एक बारी ड्रॉ कर लेता हूं, मैं सी से ही अभी करता हूं। तो यहां पे मैंने ड्रॉ कर लिया है, एक बारी सुनते हैं। पाधा नीसा सारे गामा पाधा नीसा, जैसा कि आप सुन सकते हो सारे गामा पाधा नीसा। अब यहां पे आप देख रहे हो जो पीछे नोट हाईलाइटनिंग यहां पे था, स्केल था, उसमें तो स्केल ऊपर नीचे हुए पड़े हैं। यहां पे आप देख सकते हो कुछ नोट्स हैं लाइक एफ है वो नहीं आता है। तो अब एक काम करते हैं, ये जो सारे गामा पाधा नी सा है ना, इसको हम जी से ही बनाते हैं। अब एक बारी सुन के देखते हैं, आप देख सकते हो थोड़ी सी टोन चेंज हो गई है, लेकिन सारे गामा पाधा नी सा सेम है। फिर से सुनो,
एंड हमने यहाँ पे स्केल कौन सा चूज करा था जो पीछे हाईलाइट हुए पड़े हैं, जी मेजर। तो सारे गामा पाधानी सा मेजर है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स वही आ रहे हैं जो हमारे जी मेजर के स्केल में है, कोई भी एक्स्ट्रा नोट नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है या फिर कुछ डाउट है तो एक काम करते हैं ना, नोट एक आध ऊपर नीचे करके देख लेते हैं। गड़बड़ हो गई, यहां पे ये होगा, ये सिंपल चीज है। नाउ यहां पे मैंने आपको मेजर के बारे में जो बताया है ना, इसी तरीके से किसी भी नोट पे हो सकता है। आपको शार्प पे लग रहा होगा, ब्लैक वाला जो नोट है उस पे लग रहा होगा, जी शार्प करके देखते हैं। आप देख सकते हो। तो कभी भी ये डाउट अपने मन में मत रखना, सारे गामा पाधानी सा है तो सा जो है वो आपका सी से ही स्टार्ट होगा। 12 नोट्स हैं आपके पास, 12 में से किसी से भी वो स्टार्ट हो सकता है। स्केल मैंने आपको बता दिया है। इस वाली चीज पे मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मेरे को बोला था कि मेरे जो गुरुजी हैं, मतलब उसने किसी और से, मेरा जो स्टूडेंट था उसने किसी और से वोकल सीखे थे, एंड वो बोल रहे थे कि जो उनके गुरुजी हैं उन्होंने बोला था जो सारे गामा है वो हमेशा जी से स्टार्ट होगा। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? हो सकता है उनके गुरुजी की नहीं, जो मेरा स्टूडेंट था उनकी दिक्कत थी या फिर उन्हें कुछ डाउट था जो कि क्लियर नहीं हो पाया था। दैट इज वाई यहाँ पे मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, आप लोगों के मन में ये डाउट ना रह जाए, इसलिए मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ। एंड आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ऑलराइट, सो अब बात कर लेते हैं इन्वर्टेड कॉर्ड्स की। इन्वर्टेड कॉर्ड्स एग्जैक्टली क्या होती हैं? ये आप देख सकते हो कॉर्ड पैटर्न जो अभी हमने बनाया था सेम वही है, सुनते हैं एक बारी। नाउ इन्वर्टेड कॉर्ड को समझने के लिए ना ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। लाइक आप देख सकते हो ये वाला जो कॉर्ड है, लास्ट वाला जो कॉर्ड है वो थोड़ा सा ज्यादा भारी हो रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम अप करना चाहते हैं, वॉल्यूम नहीं पिच थोड़ी सी अप करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये पूरी ही कॉर्ड ऊपर चली गई, सुन के देखते हैं एक बारी। मजा नहीं आया ना, एकदम ही पिच पूरी अप हो गई। तो वापस इसको लेकर आते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक नोट को ऊपर ऑक्टेव पे लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल D4 है, हम इसको D5 कर देते हैं। अब सुन के देखते हैं, आप सुन सकते हो पूरी ऊपर नहीं गई है कॉर्ड, लेकिन हल्का सा एक वेरिएशन आ गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसी तरीके से हम और भी चीजों को देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और है, लाइक अभी ये जो कॉर्ड्स मैंने यहाँ पे बनाई हैं, ये थोड़ी सी मुझे लो लग रही हैं, मतलब इतनी ज्यादा इसमें पावर नहीं लग रही है। तो यहाँ पे हम नोट्स और ऐड कर सकते हैं, हम सेम नोट्स और ऐड कर सकते हैं। लाइक जी है तो G4 ऐड है, यहाँ पे हम G3 ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं बाकी नोट्स ऐड कर लेता हूं जो इसके बेस नोट्स थे। अब सुनते हैं, आप देख सकते हो कितना अमेजिंग, नोट्स सेम ही है एंड उसके बाद जस्ट हमने उसको डुप्लीकेट कर दिया है, एंड कितना अच्छा फील आ रहा है। आपने एक चीज और भी शायद देखी होगी, थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन्वर्टेड कॉर्ड्स में आपको बता रहा हूं, इस तरीके से कर सकते हैं, जो बीच वाला नोट है उसको ऊपर ऑक्टेव पे कर सकते हैं। लाइक यहां पे ये बीच वाला नोट था और उसके बाद बीच वाला नोट है यहां पे, ऊपर कर देते हैं। अब सुन के देखते हैं, अब आप देख रहे हो साउंड कितनी भर के आ रही है। तो इस तरीके से भी आप चीजों को कर सकते हो। आप देख सकते हो नोट सारे वही हैं जो हमारे स्केल में आ रहे हैं, जस्ट हमने ऑक्टेव से ऊपर नीचे कर दिया है, एंड इसको ही बोलते हैं हम इन्वर्टेड कॉर्ड्स। यहां पे एक चीज अभी रह गई है, कॉर्ड्स। आप कहोगे कॉर्ड्स के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, मेजर एंड माइनर। थोड़ा सा इसको और भी ज्यादा समझना पड़ेगा आपको बिकॉज इंटरेस्टिंग चीज है। कॉर्ड जो होती है, कॉर्ड बनती है आपके तीन नोट से। एक ट्राइड जब फॉर्म होता है, तीन नोट्स मिलते हैं तो एक कॉर्ड बनती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं चाहे वो मेजर हो या फिर वो माइनर हो। लेकिन कॉर्ड्स भी हमारे पास काफी सारे टाइप्स की होती है, फॉर एग्जांपल 7th कॉर्ड, 9th कॉर्ड। अब ये क्या एग्जैक्टली है, तो ये मैं आपको बताता हूं। पुराना वाला हमारा कॉर्ड पैटर्न है, यहां पे ये है, यहां पे फर्स्ट नोट।
अब स्केल पीछे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा एडवांस ये हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा रूट नोट है, अब रूट नोट क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जिस भी स्केल पे आप काम कर रहे हो, किसी भी स्केल पे, फॉर एग्जाम्पल इस पे हम जी मेजर पे काम कर रहे हैं, या फिर अगर हम जी माइनर पे काम करते हैं, या फिर एफ माइनर, एफ मेजर, कोई भी जो हम फर्स्ट नोट बोलेंगे ना, तो वो उसका रूट नोट कहलाएगा। और आप बोल सकते हो स्टार्टिंग नोट ऑफ अ स्केल, इस केस में जी मेजर है, सो जी यहां पे हमारा हो जाएगा रूट नोट। तो जी से ही हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे आप देख सकते हो जो स्केल है उसमें आ रहा है जी ए। नाउ हम काउंट करेंगे, अब यहां पे 1 2 3 4। मैं काम करता हूं यहां से, इसको मैं पीछे थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूं, सो दैट आपको जो हाईलाइट नोट्स हैं वो दिख जाएं। 1 2 3 4 5। जो D5 है वो 5 है, ये कंफ्यूज मत होना कि वो D5 है इसलिए, ऐसा नहीं है। यहां पे ये हमारे स्केल का फिफ्थ नोट है, यहां पे इसको फिफ्थ बोलते हैं। अब ये नॉर्मल एक कॉर्ड है जिसमें तीन नोट्स लगते हैं, अगर हमें सेवेंथ कॉर्ड बनानी है तो हमें सेवेंथ जो नोट है स्केल का उसको ऐड करना होगा। अब सेवेंथ नोट कौन सा होगा, आप देख सकते हो 5 तो ये हो गया, देन उसके बाद है हमारा ई, ई हो गया सिक्स्थ नोट, एंड उसके बाद हमारा हो गया यहाँ पे एफ शार्प, हो गया हमारा सेवेंथ नोट। तो अगर मैं इसमें एफ शार्प को ऐड कर देता हूं, एक बार सुन के देखते हैं कैसा साउंड करता है। आपने सुना सेवेंथ वाले कॉर्ड की कितनी इंटरेस्टिंग साउंड थी। इसी तरीके से हम सेकंड में भी, सेकंड जो कॉर्ड है इसमें भी सेवेंथ ऐड कर सकते हैं, हमें सेवेंथ नोट ऐड करना है। यहां से ये हमारा हो गया सिक्स, एंड ये हो गया हमारा सेवेंथ। इन द सेम वे हम इस पे भी कर सकते हैं 6 7। तो आप सुन सकते हो कितनी भरी भरी यहां पे आपको साउंड आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक कॉर्ड पैटर्न आपका चल रहा है तो उसमें आपको सारे ही सेवेंथ लगा देने, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। देखना क्या चीज रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आप लगाना। सेवेंथ के साथ हम नाइन्थ भी लगा सकते हैं। नाइन्थ बहुत ही ज्यादा सिंपल, आप समझ गए होंगे, नाइन्थ नोट को ऐड करना है। यहाँ पे ये हमारा सेवेंथ हो गया, ये हो गया एट, जो जी हो गया वो हमारा एट हो गया, देन उसके बाद यहाँ पे ये हो गया हमारा नाइन्थ नोट। सुनते हैं, सो दिस इज दी नाइन्थ कॉर्ड, मेजर नाइन्थ कॉर्ड। ऑलराइट, सो कॉर्ड्स के बारे में आपको पता चल गया, हमने यहाँ पे बात करी है मेजर माइनर और नाइन्थ कॉर्ड सेवेंथ कॉर्ड इनके बारे में। इसके अलावा भी काफी सारी कॉर्ड्स होती हैं, ऑगमेंटेड कॉर्ड, सस्पेंडेड कॉर्ड, डिमिनिश्ड कॉर्ड, बहुत सारी होती हैं, आगे आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई हैं, आप अच्छा सा एक कॉर्ड पैटर्न बना सकते हो। कॉर्ड पैटर्न क्या हुआ, जो आपका यहाँ पे पैटर्न है, मतलब जो कॉर्ड्स हैं उसका क्या पैटर्न होना चाहिए, वो यहाँ पे आप अच्छा खासा बना सकते हो स्केल की मदद से। स्केल में कितने सुर होते हैं, मैंने आपको बताया था कितने नोट्स होते हैं, 7, 7 नोट, एक स्केल में 7 नोट्स होते हैं। वैसे टोटल हमारे पास 12 है, लेकिन एक स्केल की जब हम बात करते हैं, चाहे वो स्केल कोई सा भी हो, कोई भी की का स्केल हो, की मेजर हो या फिर माइनर हो, उसमें जो नोट आएंगे वो 7 होंगे, सुर 7 होते हैं, 7 यहाँ पे हमारे पास नोट होते हैं स्केल में। एंड इसके बेसिस पे आप जो म्यूजिक बनाओगे, जो कंपोज करोगे अपनी मेलोडीज या फिर कॉर्ड पैटर्न्स, अमेजिंग साउंड करेंगे। आई नो ये जो लेक्चर है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, बट क्या करें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके म्यूजिक करियर के लिए। तो थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, जल्दी से उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्केल्स। अब रिलेटिव स्केल्स क्या हैं, रिलेटिव वर्ड्स आपको पता है ना क्या है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, एंड कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, जैसे भी होते हैं। तो इन द सेम वे ये जो मेजर और माइनर मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पे भी रिलेटिव होते हैं, एंड यहाँ पे जो रिलेटिव है ना, ये एक दूसरे के ही रिलेटिव है। क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे हम, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्केल चूज कर लेता हूँ, हमारा जो स्केल है वो यहाँ पे है हमारा डी, इसको हम कुछ और कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इसको एफ, एंड यहाँ पे माइनर है ये एफ माइनर। जल्दी से इसका स्केल ड्रॉ कर लेते हैं, स्केल में आपके आएंगे 7 नोट्स, तो जल्दी से यहां से हम 7 नोट्स ऐड कर लेते हैं। रूट नोट है एफ, 1 2 3 4 5 6 7, एंड अगेन 8 सा पे आ गए। नाउ ये हमारे पास नोट्स आ गए जो एफ माइनर के स्केल में आते हैं। अब क्या है, ये जितने भी नोट्स हैं ना, ये माइनर के हैं, लेकिन
इसका जो रिलेटिव है वो मेजर में भी है। दैट मींस मेजर स्केल भी कोई ना कोई मेजर स्केल है। 12 नोट्स है हमारे पास, उनमें से 12 में से कोई एक नोट का मेजर स्केल है, जिसमें ये सारे नोट्स जो आप अभी देख रहे हो एफ माइनर के स्केल में, वो सारे के सारे नोट्स आते हैं। अब आपने सुना होगा सर्कल ऑफ फिफ्थ के बारे में। वैसे यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, काफी पहले मैंने यहाँ पे चीट शीट अपनी ऐड करी थी, पुरानी जो मेरी वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हो। तो ये कुछ मैंने चीट शीट करी थी ऐड, ये मेरी वेबसाइट है। वैसे ये वेबसाइट थोड़े टाइम में मैं इसको बंद करने वाला हूँ, बट न्यू जो लिंक्स हैं मैं अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अभी जाके आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, स्केल का जो फॉर्मूला है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको चीट शीट चाहिए तो यहाँ पे मैंने काफ़ी पहले इसकी चीट शीट भी बनाई थी, आप देख सकते हो। एंड यहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 13,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसको व्यू करा है, देखा है। और कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये चीट शीट आप डाउनलोड कर लो। जैसा कि मैंने बताया, एफ माइनर जो है, वैसे ही जितने ही नोट्स एफ माइनर के स्केल में आते हैं, मेजर में भी कोई ऐसा स्केल होगा जिसमें ये सारे नोट्स आते हैं। अब वो एग्जैक्टली कौन सा है, तो यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो तो ये लिखा है रिलेटिव स्केल्स। हमें कौन सा फाइंड करना है, यहाँ पे एफ माइनर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे रिलेटिव माइनर स्केल है एफ, एफ माइनर। एफ माइनर किसका रिलेटिव स्केल है, आप देख सकते हो यहाँ पे जी शार्प, मतलब जी शार्प मेजर का जो स्केल है, सेम नोट्स आते हैं एफ माइनर में भी। चलो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ये नोट्स आपके सामने आ गए हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से जो स्केल हाईलाइटनिंग है ना, इसको चेंज करते हैं। यहाँ से हम गए एंड इसको करेंगे जी शार्प, अगेन जाएंगे एंड यहाँ से हमें मेजर करना है बिकॉज, और यहाँ से कर देंगे मेजर। आप देख सकते हो पीछे जो स्केल हाईलाइटनिंग है वो चेंज हो चुकी है। अब यहाँ से हम वही जो नोट्स हैं उसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ से कर लेते हैं जी शार्प, देन उसके बाद आ रहा है ए शार्प, देन उसके बाद आ रहा है सी, उसके बाद आ रहा है सी शार्प, एंड उसके बाद आ रहा है डी शार्प, उसके बाद आ रहा है एफ, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी, एंड उसके बाद आ रहा है जी शार्प। एक स्केल में 7 नोट्स होते हैं, 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। अगेन सा रिपीट हो रहा है, जी शार्प अगेन आ रहा है। अब अगर आप देखो, मैं आपको ढंग से अगर दिखाऊं तो ये सारे के सारे वही नोट्स हैं जो हमारे एफ माइनर स्केल में आते हैं। ये जो है, मैं इसको अगर नीचे करूं, अगर ये तो रिपीट हो जाएगा, अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आप कहोगे नीचे एक नोट मिसिंग है, लेकिन ये एफ यहाँ पे आ जाएगा। सारे के सारे नोट एग्जैक्टली सेम है। ये आपको सर्कल ऑफ फिफ्थ बहुत सारे जो अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। वैसे मैंने ये एक चार्ट बना रखा था जो कि ज़्यादा सिंपल है, सर्कल ऑफ फिफ्थ में कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे इस चार्ट की मदद से भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा आपको यूजफुल होगा जब आप सैम्पल्स के साथ प्ले करोगे ना, जो पियानो या फिर गिटार के लूप्स होंगे उसके साथ, आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ये लगेगा। नाउ अब बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, टर्म्स के बारे में। ये 3 जो वर्ड्स हैं ना, आपने काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे, स्केल, की और रूट नोट। स्केल मैंने काफ़ी टाइम बोला है, अभी आपने देखा है लेक्चर में, रूट नोट मैंने बोला है और की मैंने नहीं बोला। तो ये 3 चीज़ों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं की एग्जैक्टली क्या होती है। तो अगर टेक्निकली बात की जाए तो की इज द रूट नोट ऑफ अ स्केल। सिंपल सा इसका मतलब है, जो भी आपका स्केल है उसका जो रूट नोट होगा वो आपकी की होगी। इस केस में अगर हमारा स्केल है एफ माइनर, देन यहां पे हम इसको बोल सकते हैं इसकी जो की है वो है एफ माइनर। अब बात करें स्केल की, स्केल क्या है, तो टेक्निकली अगर हम स्केल को भी बताएं, स्केल को डिस्कस करें, सो अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ नोट्स इज कॉल्ड अ स्केल। सिंपली इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, आप स्क्रीन पे अभी इतनी देर से देख ही रहे हो। कलेक्शन ऑफ नोट्स या फिर ग्रुप ऑफ नोट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया 7 सुर जो हैं वो स्केल में 7 सुर हैं, 7 नोट्स हैं, उसका जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं स्केल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बारी आती है रूट नोट की। रूट नोट एग्जैक्टली क्या है, तो इसको भी अगर मैं टेक्निकली आपके साथ डिस्कस करूं, सो यहां पे द स्टार्टिंग नोट ऑफ अ स्केल इज कॉल्ड अ रूट नोट। अब आप कहोगे ये क्या हुआ, ये तो की के जैसा हुआ ना। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो 3 टर्म्स मैंने आपको लास्ट में डिस्कस कर रहा हूं ना आपके साथ में, ये मुझे पहले करने चाहिए थे, लेकिन
जिन लोगों ने वीडियो को लेक्चर को स्किप करा है उनका अच्छा खासा लॉस होने वाला है, बिकॉज ये जो तीन वर्ड्स है ना, आज तक मुझे ऐसी वीडियो नहीं मिली है हिंदी में जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करे। चलो बताते हैं क्या है। यहाँ पे एफ माइनर हमारा स्केल था, तो इसकी जो की हो गई मैंने आपको बताया वो हो गई एफ माइनर, परफेक्ट। यहाँ पे स्केल क्या हो गया, ये हमारा स्केल हो गया, ग्रुप ऑफ नोट्स। रूट नोट इसका क्या हुआ, अगर हम बात करें रूट नोट तो इसका आएगा एफ। अब रूट नोट ऑफ अ स्केल एफ। लेकिन एक चीज यहां पे और भी आपको समझनी पड़ेगी, अगर मैं भी यहां से ये हटा देता हूं, ठीक है, यहां पे एफ माइनर का स्केल है। अब ये जो एफ माइनर है यहां पे हमारी जो कॉर्ड्स होंगी वो इसी में होंगी। एक बारी मैं यहां पे कॉर्ड पैटर्न ड्रॉ कर लेता हूं, ऑलराइट। सो यहां पे मैंने कॉर्ड पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है, स्केल है हमारा एफ माइनर। सुनते हैं इसको यहां से, परफेक्ट, साउंड्स गुड, साउंड्स अमेजिंग, बिल्कुल भी आउट ऑफ स्केल नहीं जा रहा है, कुछ भी बेसुरा नहीं लग रहा है, पूरा का पूरा स्केल में ही है। लेकिन इसकी अगर हम की बात करें तो एफ माइनर है, लेकिन रूट नोट इसका एफ होगा। एक चीज और आपको समझने वाली यहां पे ये है, अगर मैं यहां से एफ को हटा दूं, ये रहा एफ, और मैं यहां से इसको इस तरीके से कर दूं, तो क्या अब आप कहोगे इसकी की चेंज हो गई है, यहां पे ये जो स्केल है वो इसका चेंज हो गया है, डी शार्प है यहां पे, तो क्या डी शार्प मेजर इसका स्केल हो चुका है? नहीं, बिकॉज अगर हम डी शार्प मेजर के स्केल में देखेंगे ना तो नोट्स डिफरेंट होंगे। यहां पे मैं आपको डी शार्प का भी जल्दी से यहां पे एक एग्जांपल दे देता हूं। व्यू, यहां पे स्केल हाईलाइटनिंग एंड यहां पे मेजर है, तो इसको हम कर लेते हैं डी शार्प। तो डी शार्प का जल्दी से हम यहां पे स्केल ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, सो यहां पे डी मेजर का स्केल हमने ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हो सा रे गा मा पा धा नी सा, अगेन सा रिपीट हो रहा है। अब यहां पे आप देख सकते हो डी, डी जो नोट है वो डी शार्प मेजर के स्केल में आता है लेकिन एफ माइनर के स्केल में नहीं आता है, आप देख सकते हो कहीं भी नहीं आएगा। एंड अगर मैं यहां पे कहीं पे इसको प्लेस भी करता हूं ना, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं इसमें कोई कॉर्ड लगा दूं, फॉर एग्जांपल यही अगर मैं कॉर्ड लगा दूं, तो आप सुनना अच्छी साउंड नहीं करेगी। जैसा कि आप सुन सकते हो कितनी वियर्ड साउंड कर रही है, आउट ऑफ स्केल साउंड कर रही है। रीजन बिहाइंड दैट, यहां पे ये स्केल ही अब डिफरेंट हो गया है। इसको यहां से हम रिमूव करते हैं एंड आप देख सकते हो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं एक बारी। अब ये जो कॉर्ड है यहां पे देखो रूट नोट इसका चेंज हो गया है, यहां पे डी शार्प हो गया है, लेकिन जो इसका स्केल है वो सेम ही रहेगा, विच इज एफ माइनर। इन द सेम वे अगर यहां से ये स्टार्ट होता सी शार्प से, तब भी ये एफ माइनर ही रहता। ये चीजें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएंगी, लूप्स का यूज करोगे तो समझ में आएंगी। वैसे आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं पॉज। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे म्यूजिक थ्योरी के थोड़े से और एडवांस ऑप्शंस, थोड़े से और एडवांस टॉपिक्स। फिलहाल ये वाला जो वीडियो है ना, ये वाला जो लेक्चर है, इसको आराम से आपको देखना है एंड बार बार देखना है, एटलीस्ट 3 बार तो आपको देखना है, प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेटली आपको समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से म्यूजिक थ्योरी आ जाएगी एंड ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वीडियो को कर दो लाइक और कमेंट्स में आप अपना प्यार बरसाना मत भूलना। ये लाइक और कमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरीके की फीस नहीं है, कोई भी मैं आपसे मेंबरशिप के पैसे भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी एक जस्ट आपको सिंगल पेनी भी पे नहीं करनी है। सो ये जो लाइक और जो आपका कॉमेंट्स में प्यार है उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है बिकॉज ये जो फ्री कोर्स है आगे सब लोगों को मिलना चाहिए, रीच कम हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों का लॉस हो जाएगा, मेरा लॉस नहीं है, मैं तो फ्री में ही कर रहा हूँ, लेकिन बाकियों को पे करना पड़ेगा दूसरी जगह कोर्सेस के लिए। इट्स बेटर कि फ्री कोर्स में वो यहाँ से अपने जो स्किल्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर लें, म्यूजिक प्रोडक्शन सीख लें फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लाइक और कॉमेंट करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।